आज की तारीख में जो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है उसके पीछे एक मेजर वजह है, इंडिया का डीमोनेटाइजेशन। यस, यू हैड दैट करेक्ट। हाल ही में डीमोनेटाइजेशन के बाद ही इंडिया में सर्कुलेट हो रही फेक करेंसी का 40% हैंडल करने वाला पाकिस्तानी जावेद खानानी ने आत्महत्या कर ली। और आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या हालत चल रही है? वेल, लोग कुकिंग गैस प्लास्टिक बैग्स में ले जा रहे हैं। सरकार अपने एम्प्लॉयज से लेकर एमपीस तक सभी की सैलरीज को रिड्यूस कर चुकी है। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर ने तो अब ये तक कह दिया है कि अब से पाकिस्तान में एक वक्त की सिर्फ चाय पिया करो। लेकिन शायद पाकिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता अगर 2016 में इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया होता। इनफैक्ट 2016 तक तो पाकिस्तान अपने पंजाब और बलूचिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट करेंसी प्रेसेस में नकली इंडियन नोट छाप रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के डेप्यूटी सीएम निर्मल सिंह का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान तो अपने करेंसी से ज्यादा फेक इंडियन करेंसीज को प्रिंट करता था और इन्हीं फेक इंडियन करेंसी नोट्स से पाकिस्तान को हर साल 500 करोड़ का फायदा हो रहा था और इंडिया बर्बाद। पर अफसोस, ये सब डीमोनेटाइजेशन होते ही एक झटके में बंद हो गया और उनके पास पड़े 500 और 1000 रुपए के नोट रातों रात रद्दी बन गए। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 1600 करोड़ की कीमत के FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट 2010 में अब्रॉड से इंडिया में आए थे और इससे पाकिस्तान को कुल मिलाकर 500 करोड़ का फायदा हुआ। लेट मी एक्सप्लेन यू ये कैसे हुआ। सो डीमोनेटाइजेशन के पहले तक RBI को हर 1000 रुपए के नोट को प्रिंट करने में 29 रुपीज लग जाते थे। वहीं पर पाकिस्तान को इसके फेक वर्जन को बनाने में सिर्फ 10 रुपए ही ज्यादा लग रहे थे। तो पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी के फेक नोट्स बनाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इन फेक नोट्स को पाकिस्तान इंडिया या नेबरिंग कंट्रीज में ब्लैक में बेच देता था और 1000% के मार्जिन तक। सो 1000 रुपए का नोट फॉर एग्जांपल जो कि 29 रुपीज में इंडिया में बनता है, पाकिस्तान में 39 रुपीज में बनता था उसका फेक नोट और वो उसे बेचते थे 350 से 400 रुपए में। एंड माइंड यू, ये मार्जिन भी कस्टमर कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहता था। तो फॉर इंस्टेंस इंडिया में अगर वो नोट बिक रहा है तो वो 500% से 1000% के मार्जिन तक बिकेगा और अगर नेपाल या बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में बिक रहा है तो 1000 से 1500% तक के मार्जिन में बिकेगा। और इसी FICN नेटवर्क से पाकिस्तान एक साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। पर जब नवंबर 8 2016 को भारत में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, ये स्टॉक एक ही झटके में रद्दी बन गया। बट एज यू ऑल नो, जो कि काफी शॉकिंग भी था कि पाकिस्तान के लिए ये इतना प्रॉफिटेबल था कि फेक करेंसी खुद पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान प्रोविंस में गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट होती। यस, पाकिस्तान के लिए जैसे एक नेशनल करेंसी प्रिंटिंग का पार्टी हो गया था। और इसीलिए जब पाकिस्तान अपनी करेंसी प्रिंट करने के लिए इंक और CWBN पेपर इंपोर्ट करता था, वो रिक्वायर्ड डिमांड से अक्सर ज्यादा बड़ा ऑर्डर होता था और फिर साइमल्टेन ड्यूअल ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में वो अपने करेंसी के बाद इंडियन करेंसी को प्रिंट करता था। अब वैसे तो ये फेक करेंसी की क्वालिटी रियल करेंसी जितनी अच्छी नहीं होती थी, पर RBI और IB ये दोनों का कहना है कि देखने में इतने सिमिलर लगते थे कि लोगों को मिसलीड करना काफी आसान हो जाता था। सो प्रिंट होने के बाद शुरू होता है स्मगलिंग का प्रोसेस जो अलग अलग स्टेजेस में प्रॉपरली डिवाइडेड है। सो सबसे पहले तो ISI खुद ही होलसेलर्स को ढूंढती है जो फिर इन पैसे को स्मगलर्स तक लेकर जाते हैं। फिर ये स्मगलर्स कराची से इन 6 कंट्रीज में जाने वाली फ्लाइट्स को और उनमें जाने वाले कुरियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली फेक करेंसी के कंसाइनमेंट्स को इन कुरियर्स के साथ अटैच कर देते हैं। अब कंसाइनमेंट के लैंड करने के बाद अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जिसमें इन 6 कंट्रीज से काठमांडू नेपाल या ढाका बांग्लादेश जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स में ये कंसाइनमेंट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद स्टार्ट होता है उस देश में ऑपरेट कर रहे स्मगलिंग सिंडिकेट्स का असली काम। ये लोग इन कंसाइनमेंट को फटाफट छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करते हैं, यूजुअली 1 लाख से भी कम, जिससे कि इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करना काफी आसान हो जाए और किसी को भी कोई शक ना हो। और फाइनली फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इस फेक करेंसी को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि रूरल एरियाज, कैटल मार्केट या रियल एस्टेट के ब्लैक ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग इजीली ट्रैप हो जाते हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान फेक नोट्स के अलावा हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स और ब्रिक डस्ट से मार्केट में मेडिसिन भी बनाकर बेच रहे हैं और इसी के चलते लोगों को सही इलाज तो मिलना दूर, इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे पहले हमने फेक मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन ये तो सिर्फ एक नेटवर्क के जरिए है, एक और एक नेटवर्क है जो है टेररिस्ट और हवाला के थ्रू। एक बार माजिद बिलाल नाम के टेररिस्ट ने इंटरोगेशन के वक्त ये रिवील किया था कि पाकिस्तानी एजेंसीज का मैंडेटरी रूल है कि जब भी कोई टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसे अपने साथ फेक करेंसीज भी लेकर जाना। ये टेररिस्ट इन बॉर्डरिंग स्टेट्स के रास्ते फेक करेंसीज को इंडिया में लेकर आते हैं और फिर राजस्थान, यूपी, आंध्र और महाराष्ट्र में
इसे ओरिजिनल नोट्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं एंड एज वी डिस्कस्ड एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। इनफैक्ट माजिद ने तो ये भी बताया कि 2007 के हैदराबाद ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए 5 करोड़ रुपए भी इसी तरीके से फेक करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही आए थे, मगर ये इकलौता ऐसा जरिया नहीं है। इसके अलावा हवाला भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूट है FICN के इंडिया में लाने का, और इसीलिए कई IB ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि इस रैकेट का हैंडलर दरअसल दाऊद इब्राहिम है, जो दुबई से आने वाले ट्रैवलर्स के थ्रू ये सब स्मगलिंग करवाता है। अब इस पूरे रैकेट के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते दाऊद के सबसे करीबी दोस्त जावेद खानी की फेक नोटों की फैक्ट्री के बारे में। सो दिसंबर 2016 इंडिया में डीमोनेटाइजेशन होते ही एक कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल मनी चेंजर्स के डायरेक्टर जावेद खानानी ने खुदकुशी कर ली। अब खानानी वो इंसान है जिसने 2006 से उसके मरने तक यानी सिर्फ 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी इंडिया में डंप की थी। अब इसका मरना इंडिया के लिए इसीलिए इतना प्रॉफिटेबल साबित हुआ क्योंकि पूरे फेक करेंसी मार्केट का 40% सप्लाई इसी के थ्रू जाता था। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी और देखते ही ये फर्म फॉरेक्स मनी ट्रांसफर करने वाली टॉप ऑर्गेनाइजेशन बन गई। लेकिन KKI का असली प्रॉफिट इंडिया में फेक इंडियन करेंसी को पेनेट्रेट करने में था, जिसमें वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के वजह से सक्सेसफुल हुआ। इनफैक्ट US रेगुलेटरी द फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने भी ये ओपनली प्रूव किया कि खानानी और दाऊद के बहुत अच्छे रिलेशंस थे और वही उसका एक टॉप फाइनेंसर भी था। इनफैक्ट KKI के मदद से ही दाऊद लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फेक पैसे भी पहुंचाता था। ये सब की शुरुआत हुई 1986 में, जब दाऊद इंडिया से भागकर पाकिस्तान चला गया। उसके बाद भी उसने इंडिया में क्राइम्स और एंटी इंडिया ऑपरेशंस करना नहीं छोड़ा ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो खुश रख सके और उसे उस देश में प्रोटेक्शन मिलते रहे। अब ऐसे ही पाकिस्तान को अपीस करने के लिए दाऊद ने ISI से भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया में नकली रुपए पंप करने की। दाऊद के महाराष्ट्र में अच्छे कनेक्शंस होने की वजह से वो इंडिया में मेजर फेक करेंसीज भी यहीं पर उतारता था। तो इस रैकेट का मोडस ऑपरेंडी कुछ ये था कि दुबई बेस्ड दाऊद के 2 ट्रस्टेड एसोसिएट्स अफताब भक्ति और बाबू गैठान दुबई से इंडिया में फेक रुपए पहुंचाने के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल था और इनके मेजर टारगेट्स थे दुबई से इंडिया आने वाले वर्कर्स। इन वर्कर्स को कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स ऑफर करके ये उनसे एक पार्सल इंडिया पहुंचाने की बात करते थे और जब वर्कर्स मान जाए तो उन्हें अलग अलग चीजों में जैसे कार्बन पेपर के रोल में परफ्यूम बॉटल्स में कवर करके या फिर कपड़ों में छुपा कर फेक करेंसीज को इंडिया में इनफिल्ट्रेट करवाते थे। पर अब सिचुएशन काफी बेटर है, ये रैकेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसीलिए आज पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छुप नहीं रही है। आपको पता ही होगा पाकिस्तानी करेंसी आज दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक बन गई है और इस सबसे बचने का वन एंड ओनली तरीका है IMF का $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज। पर इसे पाने के लिए भी पाकिस्तानी सरकार को अपने लोगों से 170 बिलियन रुपीस वर्थ के टैक्सेस को कलेक्ट करना होगा, जो ऑनेस्टली इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। खैर, मैंने अराउंड 3 महीने पहले अपने इस वीडियो में पाकिस्तान की बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन को स्पेकुलेट तो किया था, पर इस कोलैप्स के पीछे इंडिया का डीमोनेटाइजेशन एक छुपा हुआ तीर था जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के डिप्यूटी CM डॉक्टर निर्मल सिंह का ये कहना है कि पाकिस्तान में उनकी खुद की करेंसी से भी ज्यादा नोट्स इंडियन करेंसी के प्रिंट होते हैं, और तो और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हिसाब से तो ये फेक करेंसी टेररिस्ट के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। टेररिस्ट ही नहीं, ISI के लिए भी ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे। बट देन 2016 में हुए डीमोनेटाइजेशन के बाद लुक एट दिस ग्राफ। कुछ टाइम तक तो पाकिस्तान इस रिजर्व ऑक्सीजन पर चलता रहा, पर वंस इट गॉट एग्जॉस्टेड तो पाकिस्तानी करेंसी तेजी से गिरने लग गई और इसी के साथ साथ टेरर फंडिंग पर भी एक मेजर झटका पड़ा। डीमोनेटाइजेशन के बाद ISI को पूरे 3 साल लग गए अपने स्मगलिंग रूट्स को वापस ऑपरेशनल करने में, पर इसका क्या फायदा, वो आज भी इंडिया की न्यू करेंसी का डुप्लीकेट बनाने में नाकामयाब है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार जितने भी FICN लेटली सीज हुए हैं वो लिटरली स्कैंड या फोटोकॉपीड नोट्स हैं, जिनमें कईयों का तो सीरियल नंबर तक सेम है। सो इससे पहले हमने फेक मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन ये तो सिर्फ एक नेटवर्क के जरिए है, एक और एक नेटवर्क है जो है टेररिस्ट और हवाला के थ्रू। एंड इंटरेस्टिंगली डेक्कन हेराल्ड के एक रिपोर्ट के हिसाब से तो डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर में तो स्टोन पेल्टिंग भी ऑलमोस्ट निल हो गई, और इसके पीछे का रीजन एक्चुअली ये था कि पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को आर्म्ड फोर्सेस पर स्टोन्स फेंकने के लिए 500 रुपए दिए जाते थे और इससे भी ज्यादा सीवियर एक्ट्स को कमिट करने के लिए 1000 रुपए। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद ये सभी चीजें भी रुक गई क्योंकि सेपरेटिस्ट के पास
पास इंस्टेंटली इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए फंड्स ही अवेलेबल नहीं था। यानी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के डीमोनेटाइजेशन और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम से घिर गया है। सो मच सो कि आए दिन वहां पर सिविल वॉर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर सिचुएशन नहीं संभली ना तो पाकिस्तान को तीन हिस्से में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा क्यों होगा और उसके बाद पाकिस्तान की क्या हाशिए होगी, ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए अगर आपको सिचुएशन को डिटेल में समझना है तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। इसलिए बताया जा रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान ने इलीगल जो है वो करेंसी बनाई और इसको किस तरह से स्प्रेड किया इंडिया के अंदर, किसके थ्रू से किया, ये सब बताया जा रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल प्ले किया यार इलीगल एजेंसी। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं था पता इस वीडियो के रिलेटेड कि क्या होता है या फिर मतलब कैसे किया ये पाकिस्तानी या क्या। मतलब एक्चुअल मुझे इसके बारे में था, ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की वीडियो देखी जिसमें मतलब पाकिस्तान अपनी करेंसी के साथ साथ इंडिया की भी करेंसी बना रहा था। वो भी लेकिन 2016 से ये चीज बंद हो गई, यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार मतलब पाकिस्तान 500 करोड़ मतलब यार डीमोनेटाइजेशन, मैंने तो यही सोचा था कि कंट्री के अंदर जिन्होंने पैसे ब्लैक मनी रखा हुआ है वो सब खत्म करने के लिए किया गया है। ये नहीं पता था कि वो तो छोड़ो फेक पाकिस्तान से बन बन के आ रहे हैं, वो तो कोई आइडिया नहीं था। तभी तो मैं इतनी हैरान हो रही थी जब मोदी जी ने ऑल ऑफ अ सडन किया, मैंने कहा ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इतना बड़ा स्टेप लिया। और उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो इतना क्लोज बना दें हमारे नोट को कि लोग डिफरेंस भी पता नहीं चले। मैं तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं वहां इंडिया में थी स्कूल के टाइम, तो वो कई बार जो थे दुकानदार वो ऐसे ऐसे करके देखते थे ना, और मम्मी पापा भी कई बार पापा को भी देखती, तो मैं बोलती थी आप देखते क्या हो, तो कहते थे इसमें कोई लाइन होगी और मैं देखती रहूं, मेरे को कभी नहीं मिली। मैंने कहा मेरे को तो कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा। पैसे के साथ यार वीडियो खत्म यार, सच बोलूं तो मुझे इस चीज का सीरियस आज मतलब इसमें पता लगा, और मैंने तो भारत में कभी पाकिस्तान में कभी नोट भी नहीं देखा। खैर बात है, वो अलग बंदे हो, मुझे वो न्यू आइडिया उसका, लेकिन ये चीज हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी, हमने आज देखी है। चलो यार डीमोनेटाइजेशन का एक फायदा हुआ तो हुआ, जो रैकेट्स वैकेट्स चला रहे थे दाऊद जैसे तबाह हो गए, वो सारे तबाह हो गए। जो नया नोट है उसको कोई बना भी नहीं सकता, ये भारत का जो भी नोट है, जो नया नोट यार ये भाई अभी बड़ी टेक्नोलॉजी से बना भारत में, बाकी इसकी कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। तब भी नोटबंदी एक टाइम से पूरे भारत हिल गया था, और भारत के साथ नेबरिंग कंट्रीज भी हिल गए थे। वो क्या बांग्लादेश में कहाँ कहाँ जा रहा है भाई, दुबई से आ रहा है, बड़ा फर्क हो जब दिमाग। यस এখন দেখো একটা জিনিস, যে পাকিস্তানের ইকোনমিক ক্রাইসিসের আমরা অনেক ভিডিও দেখছি, অনেক কারণ আমরা জানি, কিন্তু এইখানে যে কারণগুলো দেখলাম না এটা কিন্তু ডিফারেন্ট, তাই না? কারণ এই কারণগুলো কিন্তু আমরা জানতাম না। কারণ যে গেটসি ফ্লাই ফ্যাক্ট ওইও কিন্তু বললো যে তোমার এই যে কারণগুলো, এই কারণগুলো বিষয়ে মানুষের অজানা। হ্যাঁ, এটা তো আসলে একটা, আমরা তো ফার্স্ট টাইম আসলে ডিমনিটাইজেশন শুনে মনে করছি যে ইউটিউবের ডিমনিটাইজেশন করে দিয়েছে। না যাই হোক, মানে কি মজা করে কথাটা বলা হইলো, কিন্তু আসলে মানে ইন্ডিয়ার কত বড় হাত এখানে, মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? পাকিস্তানের ইকোনমিক ক্রাইসিস এর পিছনে ইন্ডিয়া যে ডিমোনিটাইজেশন করছে, যে ये जो शॉर्टकट होते हैं ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जल्दी कमा लेंगे जल्दी, उसके बाद इनका जो आपकी नॉर्मल भी जिस कंडीशन में थे उससे भी गंदी कंडीशन हो जाती है। और पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। नोटबंदी ना ये एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ थी, सिर्फ काला धन ही नहीं, फेक करेंसी के खिलाफ थी, टेररिज्म के खिलाफ थी, और वो आज इस वीडियो ने भी काफी लोगों की और आंखें खोली होंगी जो अनजान थे। तो ये चीज है, क्योंकि एक तरह से ये देख उनका तो देश इस पे चल रहा था, कितने हजार करोड़ बना रहे थे वो, देश तो चल नहीं रहा था। नहीं, तो ये देखना, ये देख टेररिज्म जैसे दाऊद हो गया। नहीं मैं ये कह रही हूँ अपनी करेंसी ज्यादा चल उनकी ये, और सबसे बड़े जो उनकी लीगल वो है उसमें वो नोट छप रहे थे, उसमें पाकिस्तान में ना इलीगल नाम का वर्ड ही नहीं है, टेररिज्म।